काम चल रहा है क्या? गाइस मैं हूँ किशनगढ़, यह है राजस्थान के पास, जो अजमेर भी यहाँ से पास था। तो अचानक से, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था अजमेर जाने का, लेकिन जैसे ही मैं आज सर्च कर रहा था तो अजमेर काफ़ी करीब है यहाँ से, 30 किलोमीटर है। बट मैंने सोचा मैं कभी भी मिस नहीं करने वाला, बाबा के दरबार में ज़रूर जाऊँगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वहाँ पर जाना, उनका आशीर्वाद लेना। गाइस तो इतने करीब आया हूँ तो मैं ज़रूर जाने वाला हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ वहाँ के लिए, यहाँ पर मैं स्टे किया हुआ था। तो कल मैं आपको यहाँ का किशनगढ़, एक काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो सोचा मैं यहाँ पर ज़रूर विजिट करूँ। तो गाइस ठीक है, हम बाबा के दरबार अजमेर शरीफ जाते हैं और मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या है, कैसा रहता है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाइस, तो देखते हैं वहाँ का काफ़ी कैसा रहन सहन, काफ़ी लाइफ स्टाइल है, और मैं बहुत ही हमेशा से उनको चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर मिस नहीं करने वाला। तो गाइस अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और देखते हैं, काफ़ी अच्छा होने वाला है हमेशा, बिकॉज उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो गाइस चलते हैं, और मैं हूँ और मेरे एक्चुअली यहाँ पर दो फ्रेंड भी हैं, तो चलते हैं हम साथ में मिलते हैं। गाइस हम जा रहे हैं अजमेर दरगाह, और ये हमारे साथ आतिफ। आतिफ हाय, और ये कैसा लग रहा है भाई? ये साथ में मयंक, और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज। ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं लोकल कंपनी से, एक्चुअली लोकल का मज़ा ही अलग है। हम अजमेर शरीफ कभी आए नहीं हैं, पहली बार यहाँ पर जा रहे हैं, तो देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पीछे बैठने का मज़ा ही अलग है, सबसे पीछे बैठने का मज़ा ही अलग है। इतना चौड़ा होकर चल रहा मयंक, इसे क्या हो गया? तेरी चाल क्या बात है! दोनों पहलवान है। गाइस हम पहुंचने वाले अजमेर, काफ़ी पास में है यहाँ से, हम अब हम यहीं से एंट्री करने वाले हैं, ऑटो से यहाँ पर आ गए अजमेर शरीफ। ये लोकल मार्केट अजमेर शरीफ की, यहाँ पर सारा शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं आप, लोकल सामान मिलता है, काफ़ी स्वीट की दुकानें हैं यहाँ पर, खाने पीने का भी है, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पर, राजस्थानी कपड़े खरीद सकते हैं, बहुत ही शानदार है। क्या क्या हो गया? और काफ़ी क्राउडेड कहता है, ऐसा मत तो हम यहाँ पर संडे को गए थे तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। बंद कर दे यार, क्या बोल रहा तू? अलादीन, वाह, चिकन लॉलीपॉप, खाना क्या बात है, मस्त क्रिस्पी, काफ़ी अच्छा बनाते गाइस। बस मेरे इन फ्रेंड, इन दो लड़कों को तो कुछ भी दिखे खाने से मतलब, कोई भी चीज़ हो बस। पर ये मैंने भी खाया था और
मुझे भी ऐसे लग रहा था कि वो कुछ लोकल फूड है क्या है पता नहीं, लेकिन जब खाया मैंने कस्टर्ड फ्रूट्स वगैरह मिक्स, इसमें फूड तो बहुत ही शानदार। ये अजमेर शरीफ दरगाह का मेन गेट, यहीं से एंट्री करते हैं, जो तो चप्पल से बाहर निकालते हैं यहीं पर। हमने यहीं से एंट्री कर ली। दरगाह अंदर देखता हूँ, तो बहुत मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। बंदे का हल्के में ले लेगा कोई ऐसे ही थोड़ा ही क्या। भाई ये है जो देख है काफी बड़ी, ऐसे देख है यहाँ पर, ये काफी बड़ी है, इसमें लोग काफी डोनेशन डालते हैं काफी, बिकॉज ये भूखों के लिए खाना बनाने के लिए बनाई जाती है, इसमें खाना बहुत ज़्यादा बनता है, काफ़ी बड़ी देर है। यहाँ पर है छोटी देर, इसमें थोड़ा हल्का रह गया मामला, इसमें कम डालते हैं लोग, कैसे लग रहा है। ये बाहर निकलने के बाद दरगाह से हम बाहर निकले तो वहाँ पर ये आइसक्रीम का इन्होंने वो देखा, ये तो भाई दोनों ऐसा लगता है जैसे भुक्कड़ है, खाने के लिए ही पैदा हुए, जो भी देख रहे, जो भी चीज़ देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं तरी वहीं बिछा रहे हैं दरी बादाम से, बहुत ही अमेजिंग। लेकिन मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, वो भी उनके हिस्से में से बहुत ही अच्छे, काफ़ी अच्छा था, ये लोकल है और वो खुद का बनाया होता है, उसका शेक वगैरह बादाम शेक होते हैं, बहुत ही अमेजिंग गाइस। थोड़ा साइड हो जाओ गाइस, ये है मार्केट किशनगढ़ जहाँ पर हम घूम रहे हैं, बहुत ही सही लोकल मार्केट है। ये मयंकर आतिक आगे आगे चल रहे हैं, ये आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं आइसक्रीम नहीं खाता, तो गाइस बहुत ही अच्छी लाइट की दुकान, क्या बात है। ये देखो ऑटो वाले के बैठने का तरीका देखो, एक साइड बैठा है, अकेला होने के बाद भी आदत पड़ी हुई होगी चारों तरफ बैठाने की ये भी बहुत धरनाटे काट रहा गाइस क्या बात है। ये देख बिल्कुल साइड में बैठा है, इसे यही नहीं पता, भूल गया वो सब बराबर में खाली भी है। सही है भाई,
गाइस ये है होटल जिसमें मैं स्टे किया हूँ और यहाँ पर आई थिंक आज किसी की शादी है, तभी इतनी डेकोरेशन हो रखी है। बहुत फाइनली गाइस मैं पहुँच गया अपने रूम में और बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं है अब घूमने की बिल्कुल भी। सुबह उठता हूँ देखता हूँ मैं कौन सी नई लोकेशन जाते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। तब तक के लिए गुड नाइट बाय सी यू और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।